हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल टूल इन्फो 1232 पर। कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए डेली बेस पे नए नए प्रोडक्ट और नए नए वीडियोस लेके आ रहे हैं। उसी के चलते हुए आज भी हमारा जो प्रोडक्ट है और बहुत जो प्रोडक्ट की जो हम रेंज लेके आए हैं, बहुत ही बड़ी और बहुत ही उपयोगी रेंज है। और ये जो बेसिकली आज की जो वीडियो है, ये फोर व्हील वालों के लिए और ट्रक वालों के लिए, टेम्पो वालों के लिए, जिनकी बड़ी गाड़ी का कामकाज है, गैरेज वालों के लिए, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है आज का वीडियो। क्योंकि आज हम जो पूरी एक सीरीज़ लेके आए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक सीरीज़ वाइज प्रोडक्ट हम सारे डिटेल बताएंगे। ये जो सीरीज़ है, ये ऑयल फिल्टर की पूरी सीरीज़ है। इसके पहले हमने एक फोर व्हील गैरेज का भी एक वीडियो बना के डाला था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो उसके अंदर बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आया था कि आप पूरी एक सीरीज़ बना के बताइए कि भाई ऑयल फिल्टर के अंदर कितने प्रकार है और किन सारी गाड़ियों में लग जाए ऐसे यूनिवर्सल ऑयल फिल्टर भी आप हमें बताइए। तो उसी के चलते हुए मैं पूरा ऑयल फिल्टर की एक सीरीज़ लेके आया हूँ। तो अभी तक जिन नए व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास ये अलग अलग ब्रांड के यहाँ पर ऑयल फिल्टर मिल जाएंगे और पर्टिकुलर एक साइज़ के भी ऑयल फिल्टर मिलेंगे और यूनिवर्सल आपको ऑयल फिल्टर भी मिल जाएंगे। सबसे पहले जो यूनिवर्सल ऑयल फिल्टर है, हम उससे शुरू करेंगे आपको बताना कि भाई यूनिवर्सल में आपको कौन कौन से मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास है बेल्ट वाला एक ऑयल फिल्टर, ये हमारी स्विफ्ट गाड़ी का ऑयल फिल्टर है। ये पर्टिकुलर एक ही गाड़ी का ऑयल फिल्टर है, स्विफ्ट गाड़ी और उस जैसी अलग अलग गाड़ियों का ऑयल फिल्टर है। ये हमारा इनोवा का एक ऑयल फिल्टर है, जो अलग अलग प्रकार के ऑयल फिल्टर आपको मिल जाएंगे। ये हमारा ऑयल फिल्टर का रेंज है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यूनिवर्सल है। ये ऑयल फिल्टर का रेंज है, ये फिट भी इससे हो जाएगा, टाइट भी इससे हो जाएगा। अब ये रेंज हर जगह इस्तेमाल होता भी है और नहीं भी होता है, वो क्यों नहीं होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले हम सारे प्रोडक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। फिर हमारे पास है एक प्रो कट का ऑयल फिल्टर, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इसकी, ये भी मैं आपको एक बार खोल के बता देता हूँ। मैं ये हमारा प्रो कट का आ गया, देखिए कितना बड़ा खुल रहा है। ये पूरा मल्टीपल रहता है, इसके अंदर आप छोटी गाड़ी का भी खोल सकते हैं, बड़ी गाड़ी का भी खोल सकते हैं। ये एक हर एक गैरेज में एक तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक होने से क्या होता है कि आपको कभी भी कोई दिक्कत आए या ओवर टाइट कभी हो गया हो तो आप उसको आराम से खोल सकते हैं। प्रो कट का ये हमारे पास और एक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग शेप में है। ये वाला आगे से अंदर गया हुआ है और ये सीधा है, ये वाला बिल्कुल सीधा है। फिल्टर, ऑयल फिल्टर खोलने के जो रेंज है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्या होता है कि दो पांच गैरेज जब एक साथ होती है तो उसके अंदर क्या आदमी कहीं और से भी उसका जुगाड़ कर लेता है लाने का, मगर जब आप अकेले काम कर रहे हो तो उसमें आपको तकलीफ पड़ सकता है। देखिए ये भी बहुत बढ़िया है। दोनों को मैं आपको ऐसे लेटा के बता देता हूँ उल्टा, ये आगे से मुड़ा हुआ है और ये बिल्कुल सीधा है। इसके अंदर भी आगे पूरे ग्रूज लगे हुए हैं, ये पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद ऑयल फिल्टर को खोल देगा, डीजल फिल्टर को भी खोल देगा। और ये जो हमारा बेल्ट वाला है, ये खास करके डीजल फिल्टर, डीजल की जो गाड़ियाँ होती है उसको खोलने के लिए भी बहुत उपयोगी है। देख सकते हैं आप, ये क्या है कि बेसिकली कितना भी बड़ा, इतना बड़ा ऑयल फिल्टर अगर आपका हो, डीजल फिल्टर हो, तो ये उसमें लग जाएगा और उसको फिर आप ऐसे करके उसके अंदर लग के आप उसको खोल सकते हैं। जोन सी तरफ आपको खोलना है वो तरफ आप उसको खोल सकते हैं। बहुत हैवी क्वालिटी का ये बेल्ट है। ये सारे प्रोडक्ट आपको किंग टूल सूरत के ऊपर मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मोबाइल नंबर मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद एक और एक ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर का खोलने वाला, जिसके अंदर आपको चेन आएगी, जो चेन ऑपरेटेड होगा, सब अलग अलग प्रकार के इसमें। इसके बाहर अभी YouTube के अंदर मैंने सर्च किया ऑयल फिल्टर का, कोई अभी YouTube के अंदर कोई वीडियो ही नहीं है। और ये जो हम लोग ऑयल फिल्टर आपके लिए लेके आए हैं, इतने सारे ऑयल फिल्टर अभी तक किसी ने अभी वीडियो के अंदर नहीं बताया है। अब बेसिकली क्या होगा, जैसे कि ये मेरा ऑयल फिल्टर समझ लीजिए, तो ये आप इसको जैसे ही घुमाएंगे तो ये पकड़ लेगा और ये इसको रेचर से खोल देगा, तो बहुत ही उपयोगी है।
अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, पट्टे के अंदर क्या है, आपका ऑयल फिल्टर होगा या डीजल फिल्टर होगा, उसका काना पड़ने का आपको टेंशन नहीं रहेगा। मगर ये क्या है, ये है इसके अंदर क्या है, आपका डीजल फिल्टर क्रैक भी हो सकता है और डीजल फिल्टर या ऑयल फिल्टर के अंदर आपको फट भी सकता है। इससे हो सकता है अगर आपको वापस वही फिट करना हो तो आप उसको नहीं फिट कर पाएंगे। और ये जो गाड़ियां जो होती है ये इसके लिए इसको पूरा मैकेनिज्म यूज़ होता है कि इसके अंदर क्या है, ऑयल फिल्टर या डीजल फिल्टर फट ना जाए, डैमेज ना हो वो प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास क्राउन कंपनी का है, ये भी आपका यूनिवर्सल है। यहाँ पर ये तो हमारा अक्सर मैकेनिक भाइयों ने यूज़ किया होगा, पट्टी वाला, ये पट्टी की तरह ये फिट हो जाता है, छोटा बड़ा इसके अंदर हो जाएगा आपका, और इसके अंदर आपको एडजस्टेबल रहेगा आपका, ये इसी तरीके से भी आपका चेंज हो जाएगा, हर तरीके से आपका उपयोग में आ जाएगा, लेफ्ट राइट ऐसे भी आपका हो जाएगा। अलग अलग प्रोडक्ट हम लोगों लेके आए हैं, क्या है कि कस्टमर की नीड के हिसाब से, जो व्यूअर्स हमारे मांग रहे हैं उस व्यूअर्स की मांग के हिसाब से हम लोगों प्रोडक्ट पर सिलेक्ट करते हैं। और अभी तक हमारे जिन नए व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। देखिए ये एक सबसे बड़ा है क्राउन का ऑयल फिल्टर खोलने वाला पाना, इसके अंदर भी आपको यहाँ पर ग्रिप के लिए मिल जाएंगे। और ये पूरा पतरे का है, ये भी पतरे का है और ये भी पतरे का है। और फिर उसके बाद हमारा याटो का आ रहा है, लाइन के अंदर याद है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत ही बढ़िया एक पूरी रेंज बताने वाला हूँ ऑयल फिल्टर की, एक याटो का भी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बता देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा दोनों की क्वालिटी में कुछ फ़र्क है। वाह, ये इसकी क्वालिटी तो बेस्ट है, याटो की क्वालिटी तो बेस्ट है, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से भी आप देखेंगे कितनी बढ़िया है इसकी याटो की बिल्ड क्वालिटी है। याटो की जो ये मैंने अभी आपके सामने अनबॉक्सिंग किया है, ये 85 से लेके 95 mm तक का ये खोल पाएगा। और ये जो इससे छोटा वाला है इसके अंदर आपको 73 से लेके 85 mm तक का आपका ये याटो का खोल पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप किंग टू सूरत का विजिट करेंगे, शॉप के अंदर विजिट करेंगे तो आपको फोर व्हील की गैरेज की पूरी रेंज मिलेगी। हमारे पास सबसे बड़ी बात है, इसके पहले हमने एक टू व्हील गैरेज का भी वीडियो नाखा था, उसके अंदर हमने क्या किया था कि पहले 25,000 की एक किट बनाई थी, फिर कस्टमर की डिमांड पे और व्यूअर्स ने हमारे शॉप का विजिट किया, उसके बाद हमने एक और एक नई किट बनाई जो 95,000 से शुरू होते 1.5 लाख तक भी जाती है, 2 लाख तक भी जाती है। तो उसी के चलते हुए हमारे पास ये टू व्हील की फोर व्हील की भी जो किट है वो भी आपकी 50,000 वाली भी हो जाएगी, लाख रुपये की भी हो जाएगी, और 2 लाख रुपये तक भी अगर आपको किट बनानी है जिसके अंदर आपके पास जैक मिल जाएगा, प्रेशर वॉशर मिल जाएगा, आपका हाइड्रोलिक जैक मिल जाएगा, घोड़ी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो किंग टू सूरत का कांटेक्ट करिए और हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट में सबसे लास्ट जो पूरी एक रेंज है जो आपने अभी तक, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी ज़रूरी है। बहुत से हमारे मैकेनिक हो गए जिन्होंने अपना कामकाज को चलते हुए एक दो या ऑयल फिल्टर या 2-3 जो यूनिवर्सल ऑयल फिल्टर होते हैं उसी तरीके से उसको इस्तेमाल किया होगा, वैसे हर एक मैकेनिक को आइडिया ही होगा इसको कैसे यूज़ करते हैं, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जानकारी देना मेरा काम है। तो ये जो इसके अंदर सॉकेट आ रहा है इसको आपको क्या है, रेचर में लगा देना है, ये ऐसे रेचर में लग जाएगा। और ये जो हमारा ऑयल फिल्टर का जो रेंच है ये इसमें फिट हो जाएगा और ये ऐसे ही ये फिटिंग भी हो जाएगा और आपको उस उल्टा घुमाएंगे तो ये खुल भी जाएगा, गीजी भी नहीं सब। इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये हर अलग अलग प्रकार के फिल्टर है। इसके अंदर क्या है कि कभी कभी क्या होता है, खोलने के अंदर ज़्यादा ताकत लगाने के अंदर इंजन का जो ग्रूज होता है, इंजन के अंदर जो आटे होते हैं जो बहुत ही बारीक और महीम होते हैं वो आटे खराब हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि पूरे इंजन के अंदर प्रॉब्लम आती है, कस्टमर हमारा ख़राब हो जाता है, कस्टमर को क्या है ऑयल लीकेज होना चालू हो जाता है। हम तो क्या टाइट करके फिटिंग करके छोड़ देते हैं, मगर जब गाड़ी चलती है और जब प्रेशर बनता है ऑयल का तब वो प्रॉब्लम देता है, और तब हमारा कस्टमर वापस आता है, इंजन के अंदर ज़्यादा काम निकल आता है क्योंकि ऑयल के बगैर गाड़ी चलेगी तो और काम निकलेगा, तो उसी के चलते हुए बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक पूरी किट बनाई हुई है, और इसी के चलते हुए देखिए ये वाले भी मैं आपको सारे बता दूँ, एक्सटेंशन के साथ मैं आपको लगा के बता दूँ, ये वाले भी सब सारे आपको ऐसे ही लग जाएंगे। देखिए बहुत अच्छा,
टाइट करिए, फिटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, ये देखिए इसके अंदर भी आपको सॉकेट देखिए निकल गया यहाँ पर आपका। तो ये सॉकेट ऑलरेडी दिया हुआ है, आधे का है, ये 1/4 का इसमें लग जाएगा, मगर ये जो अपना आधे का सॉकेट है वो इसमें भी लग जाएगा, और ये हमारा इसमें भी लग, इसमें भी अलग से एक्स्ट्रा का सॉकेट दिया हुआ है, ये देखिए ये अलग से एक्स्ट्रा का सॉकेट है। और ये हमारा, ये डायरेक्ट आपको रेचर वाला मिल जाएगा, तो ये आपने चेन वाला रेचर में लगा दिया, इसको आप घुमाएंगे, जोन सा भी ऑयल फिल्टर होगा वो आपका खुल जाएगा। ये भी बहुत मोटी चेन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही चेन है, देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5 पूरी 5 लेयर का चेन का सेट है। अगर दो ही दे देते कॉस्टिंग कम हो जाता, मगर क्या होता कि वो जब जकड़ा, जब फिल्टर जकड़ता है तब क्या होता है कि वो अंदर बैठ जाता है ये चेन, तो ये चेन उसके अंदर बैठेगा नहीं, ये चौड़ा पट्टा है एकदम। तो बहुत ही सारे, बहुत ही उपयोगी है पूरी किट आपके लिए होने वाली है, अलग अलग प्रकार के मैंने आपको बता दिए है, एक बार आप देख लीजिए तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। ये वाला भी आपको लग जाएगा ऐसे ही, सबसे सेफ आइटम है ये। वैसे हमारे पास इसकी भी पूरी रेंज है, अगर आपको ये वाले, यही वाले चाहिए, समझिए आपके पास ओनली इनोवा गाड़ी आ रही है, तवेरा गाड़ी आ रही है, पिकअप ट्रक आ रहा है, छोटा हाथी आ रहा है, आप ओनली डीजल के मैकेनिक है, डीजल की गाड़ियों को, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ियां बहुत ज्यादा है, डीजल की गाड़ी के अंदर सब एक सर के डीजल के ऑयल फिल्टर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा है कि पर्टिकुलर यही कोई गाड़ी का आपको चाहिए, तो ऐसे तो हमारे पास तकरीबन 50 के ऊपर मॉडल के आपको मिल जाएंगे, जौन सा भी मॉडल आप बोलेंगे वो मॉडल आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही उपयोगी रहने वाला है आज का वीडियो। अभी तक जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सोचेंगे कि मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, तो आप हमें सपोर्ट करिए सब्सक्राइबर को गेन करने के अंदर। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको पूरे ऑयल फिल्टर बताए, ये हमारी इस पेटी के आगे बिल्कुल उपयोग नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास पेटी है, ये 29 तो इसके अंदर ऑयल फिल्टर के कप्स है, देखिए ये स्पेशल टूल की कैटेगरी में आते हैं। और ये ऐसी चीज है कि ये बड़े बड़े शोरूम वाले इसको रखने के लिए सपना देखते हैं, बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं वो लोग इसको रखने की सोचते हैं और रखने का प्रीफर करते हैं। और ये पूरी एक रेंज है जिसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के ऑयल फिल्टर के रेंज वगैरह मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप, हर एक प्रकार के आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एमएम वाइज कंप्लीट बता दूंगा, अभी एमएम वाइज मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि कितने एमएम का कहाँ से शुरू होता है। देख सकते हैं आप, सबसे पहले हमारा चालू हो रहा है यहाँ पर 73 mm, उसके बाद आ गया 74 mm, 65 mm, 14P। इसके अंदर अलग वाला दूसरा भी एक आपको कोड नंबर मिल जाएगा जिसको आपको सिलेक्ट करना आसान हो, 66 mm, 76 mm, 75 mm, 77 mm, 65, 67, 68, 76, 76, 14P, उसके नीचे आप गया 78, 74, 75, 80, 82, 76, 80, ये अलग अलग एक सर के आपको मिल जाएंगे, मगर उसके जो जो ग्रूज वगैरह होंगे वो अलग अलग होंगे। देखिए इसके अंदर आपको ग्रूज कैसे दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ग्रूज का है, मगर यही सेम 76 mm यहाँ पर भी है, ये रहा, ये अलग ग्रूज का है, इसके अंदर आपको 10 ग्रूज मिलेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के ये सारे हैं। यहाँ पर नीचे हम बड़े के अंदर आएंगे तो बड़े के अंदर आपको कितना है, 108 mm, 106 mm, 100 mm, 108 mm, फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 93 mm, 93 mm, ये अलग अलग साइज है, देख सकते हैं आप, देखिए इसके ग्रूव्स कितने छोटे छोटे हैं, देख सकते हैं, मैंने LED मारी हुई है, आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे तरीके से आपको ग्रूव्स सिलेक्ट करने हैं। और अलग अलग प्रकार के इसमें 92 mm, यहाँ पर आपको 90 mm, और इसके अंदर आपको एक यूनिवर्सल वाला भी मिल जाता है जिससे आप यूनिवर्सल तरीके से भी खोल सकते हैं, फिटिंग कर सकते हैं, जैसा हमारा ये है, ये भी है और ये भी है, ये पेटी के अंदर आता है। और इसके अंदर आपको एक सॉकेट भी मिल जाएगा, सॉकेट को आप ऐसे लगा सकते हैं और उसको भी उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो जो पूरा जो सेट है ये आपको किंग टूल सूरत पे मिल जाएगा, प्राइस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मोबाइल नंबर वगैरह आपको कॉन्टेक्ट करना हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, और हमारे कई व्यूवर्स हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं
कि भाई आपको हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए या वो वाला प्रोडक्ट चाहिए, हम उसके हिसाब से भी पूरी रेंज बना के हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपको फोर व्हील के लिए, टू व्हील के लिए, या पावर टूल्स के लिए, या हैंड टूल के लिए अगर आपको कोई प्रोडक्ट देखना है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे नए व्यूवर्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जिन्होंने अभी तक रेड बटन नहीं दबाया है सब्सक्राइबर का, उसको प्लीज़ दबा दें। धन्यवाद, थैंक यू।